नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक कोर्स देखेंगे जो बेसिक एग्रीकल्चर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसका कोर्स टाइटल होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इसका कोर्स कोड MAT 101 होता है, Credit R2 1+1 होता है। इसका मतलब क्या है? Credit R2 1+1 का मतलब कि इसमें प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। अब देखिए, अब सिलेबस डिस्कस करने से एक बात मैं बता दूं कि 10 सब्जेक्ट होते हैं सारे सेमेस्टर्स में। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। उसमें आपको देखिए अल्टरनेटिव के रूप में आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। एक है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, ठीक है। दूसरा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये जो कोर्स है, ठीक है। तो ये दोनों अल्टरनेटिव के रूप में काम करते हैं। मतलब क्या? मतलब इसका ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट में पीसीबी ग्रुप से अपना इंटरमीडिएट किया है, पीसीबी का मतलब क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप से अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, तब आपको फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में आपको कौन सा कोर्स चूज करना होगा? तो आपको देखिए बायोलॉजी और मैथ में से आपको चूज करना होगा ये कोर्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। यानी अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं, पीसीबी ग्रुप से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेंटर में, तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट में पीसीएम ग्रुप से हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आपको इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी कोर्स जो है वो अडेप्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, ये आप देख सकते हैं कोर्स यहाँ पर। इसका सिलेबस हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप देख लेंगे। तो ये हो गया। और देखिए, अगर आपने इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर ग्रुप से किया है तब आपके लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं, ठीक है। अगर आपने पीएजी ग्रुप से इंटर किया है, पीएजी यानी फिजिक्स एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर से आपने इंटर किया है, तो आप वो आपके ऊपर है, या तो आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ले सकते हैं या तो आप बायोलॉजी इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी भी ले सकते हैं। तो इसका कहने का सारांश ये है कि अगर आपका इंटर में पीसीबी ग्रुप है तो आपको यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लेना पड़ता है, और पीसीएम ग्रुप है तो इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी लेना पड़ता है। और अगर आपका ग्रुप है पीएजी यानी फिर एग्रीकल्चर ग्रुप, तो वहां पे आपको दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आप चूज करेंगे। तो चलिए इसका थ्योरी सिलेबस पहले डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका, यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है ये पूरा इसके सिलेबस में, फिर यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल सिलेबस आता है। तो इसको पूरा हम डिस्कस करेंगे। अगर पूरा देखिए, अगर टाइम में पूरा डिस्कस नहीं हो पाएगा तो इसका जो सिलेबस है पीडीएफ का लिंक जो है, मतलब पीडीएफ वगैरह है सिलेबस का, ये सारी चीजें मैटर हम आपको आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए थ्योरी सिलेबस में स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, फिर आपका चेंज ऑफ एक्सेस, ओनली ओरिजिन चेंज्ड, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सेस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सेस स्लोप इंटरसेप्ट, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप, स्लोप पॉइंट फ्रॉम ऑफ, ठीक है, ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, टू पॉइंट फ्रॉम ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, नॉर्मल फ्रॉम ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। आगे देखिए, फिर यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप कितना ब्रॉड सिलेबस दिया हुआ है इसका। फिर यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एसटी लाइन्स, एंगल्स बिटवीन टू एसटी लाइन्स, ठीक है, पैरेलल लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स, एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स बिटवीन टू लाइन्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रेंगल सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो सेंटर आर रेडियस इज नोन, जनरल इक्वेशन, फिर है यहां पर आपका ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर्स इज अ लाइन ज्वाइंटिंग टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन सर्कल एट गिवन पॉइंट, सिंपल प्रॉब्लम्स, कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी ऑफ अ लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू द गिवन सर्कल एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू ए टू, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफिनेशन ऑफ फंक्शंस लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्सन ई एक्स साइन एक्स एंड कॉज एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, डिराइवेट्स ऑफ सम डिफरेंस, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शंस
ऑफ फंक्शंस, इसमें सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फ्रॉम वाई इक्वल टू एफ एक्स, सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और थ्योरी का सिलेबस यहाँ पर बचा हुआ है, देखिए कितना ब्रॉड सिलेबस है यहाँ पर। इंटेग्रल कैलकुलस, इसमें इंटेग्रेशन ऑफ सिंपल फंक्शंस, इंटेग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इंटेग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफिनाइट डेफिनिट इंटेग्रल, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, एरिया अंडर सिंपल वेल नोन कर्व्स, सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोज एंड इनवर्स अप टू थ्री थर्ड ऑर्डर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अप टू थर्ड ऑर्डर एंड देयर एवोल्यूशन। ये आपका थ्योरी का सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल के सिलेबस में कुछ यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसमें आप देखते रहिए, मैं रीड करता जाता हूँ। प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोयो मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर, प्रॉब्लम्स ऑन मिरर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक, इनवर्स ऑफ मैट्रिक अप टू थर्ड ऑर्डर, ठीक है, क्रैमर्स श्रेलेंड, वन मिनट रुक जाइए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद से यहाँ पर कौन सा टॉपिक है आगे देख लीजिए, यहाँ पर फंक्शंस लिमिट एंड कंटिन्यूटी विथ सिंपल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन ई एक्स साइन एक्स एंड कॉज एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। आगे फिर देखिए डेरिवेट्स ऑफ सम डिफरेंस प्रोडक्ट्स एंड कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, आगे है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शन सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, फिर है लॉगरिथमिक इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल ऑफ गिवन कर्व एट गिवन पॉइंट सिंपल प्रॉब्लम्स, फिर है आपका यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, इंटेग्रल सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, एरिया अंडर सिंपल वेल नोन कर्व्स, प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स। तो ये पूरा का पूरा ये ब्रॉड सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया। अब देखिए क्यों, अब मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको किस ग्रुप में है, तो आपको मैथ मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, तो पीसीएम मतलब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है तो इसका मतलब आपने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो आपको बायोलॉजी की कुछ नॉमिनल जानकारी के लिए आपको, अगर पीसीएम मैथ ग्रुप से है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिक रिकल्चर में आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मिलता है, लेकिन अगर आप बायो ग्रुप से है, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है, तो इसका मतलब क्या आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा इंटर में, तो आपको मैथमेटिक्स की मिनिमल जानकारी के लिए आपको जो है यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स दिया जाता है, ठीक है। और देखिए पीएजी ग्रुप यानी एग्रीकल्चर ग्रुप में क्या होता है, क्यों उसमें दोनों के ऑप्शन होते हैं चूज करने के लिए, वो मैं आपको बताऊं, तो एग्रीकल्चर में पीएजी ग्रुप जिसको बोलते हैं, पीएजी, पीएजी का मतलब फिजिक्स एग्रीकल्चर ग्रुप, तो इसमें देखिए पहले बात आती है मैथमेटिक्स की, तो इंटर एग्रीकल्चर में एक कोर्स पढ़ एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी यानी एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री स्टडीज नाम का, तो इससे आपका मैथ कवर हो जाता है, ठीक है। अब ट्वेल्थ में देखिए इलेवेंथ ट्वेल्थ में आपको इलेवेंथ में एक और कोर्स पढ़ा जाता है एग्रीकल्चरल बॉटनी यानी कृषि वनस्पति विज्ञान, और ट्वेल्थ में आपको पढ़ा जाता है एग्रीकल्चरल जूलॉजी यानी कृषि जंतु विज्ञान, तो ऐसे आपकी बायोलॉजी भी कवर हो जाती है इलेवेंथ ट्वेल्थ एग्रीकल्चर में, तो इसीलिए आपको दोनों चूज करने के ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं एग्रीकल्चर ग्रुप से था इंटर में, तो मैंने यहाँ पर बायोलॉजी सिलेक्ट किया है, बायोलॉजी की भी आपको पूरी की पूरी सिलेबस का जो है सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए जो है देखिए सिलेबस तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आपको इसको समझेंगे आप, अंडरस्टैंडिंग आपको मैथमेटिक्स इसमें अच्छे से होगी, तब आपको अच्छे से जो है आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बायोलॉजी पढ़ा है तो इसकी क्लासेस हो सकता है आपको हमारे चैनल पर ना मिल पाए, लेकिन आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे टॉपिक वाइज डालकर तो कुछ अच्छे चैनल जो हैं वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। मैं ट्राई करूंगा अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कुछ चैनल्स का लिंक दूंगा जहां से आप अपनी मैथमेटिक्स जो है आपको बेस्ट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको क्या करना है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर पीडीएफ है और उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पूरी ये सारा सिलेबस है,
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।